हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे ऑफेंस के बारे में। तो आइए देखते हैं ऑफेंस क्या होता है। ऑफेंस को अगर हम समझें तो ये स्लाइटली डिफरेंट है आईपीसी के हिसाब से और सीआरपीसी के हिसाब से। आईपीसी के हिसाब से जो सेक्शन 40 है आईपीसी का, वो ऑफेंस को ऐसे डिस्क्राइब करता है, अ थिंग मेड पनिशेबल बाय द इंडियन पीनल कोड, दैट इज़ आईपीसी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आईपीसी के हिसाब से देख लिया, अ थिंग मेड पनिशेबल बाय इंडियन पीनल कोड इज़ ऑफेंस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40 आईपीसी। और इसी को अगर हम लोग सीआरपीसी के हिसाब से समझें तो सेक्शन 2N जो है सीआरपीसी का, वो कहता है एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ठीक है, बात वही है, बस थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर है आईपीसी के हिसाब से और सीआरपीसी के हिसाब से। तो ये हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया ऑफेंस के बारे में। अब मूव करते हैं हम इसके क्लासिफिकेशन की तरफ। तो क्लासिफिकेशन को अगर हम समझें तो ऑफेंस को क्लासिफाई किया गया है थ्री वेज में। और इस थ्री वेज में जो इसका क्लासिफिकेशन है, एक होता है हमारा कॉग्नाइजेबल या फिर नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल, और लास्ट वाला जो क्लासिफिकेशन है वो है बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो आइए इन सारे क्लासिफिकेशन को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला, जैसे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा क्या, कॉग्नाइजेबल और नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि क्या पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट या फिर नहीं। तो इस आधार पर जो क्लासिफिकेशन होता है ऑफेंस का, वो हमारा होता है कॉग्नाइजेबल और नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस, मींस अरेस्ट विदाउट वारंट और नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। तो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस का मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए, ये सीरियस क्राइम है या फिर हम कहें हीनियस क्राइम है। ठीक, तो ऐसे ऑफेंस के लिए पुलिस ऑफिसर को कोई अरेस्ट वारंट की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट फॉर सच काइंड ऑफ ऑफेंस। और ये हमारा आता है सेक्शन 2C सीआरपीसी में। सीआरपीसी मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। अब इसमें कुछ हम एग्जाम्पल से समझते हैं, तब हमें और क्लियर हो जाएगा कि कौन से होते हैं कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। लाइक 302 आईपीसी मींस पनिशमेंट फॉर मर्डर, 304A मींस डेथ इज कॉज्ड बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट, 304B डील्स विद डाउरी डेथ, 306 डील्स विद अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। ठीक है, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड सेक्शन 309 भी हमारा क्या है, एक कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, लेकिन अब ये डीक्रिमिनलाइज हो चुका है। 303 आईपीसी जो है वो हमारा किससे डील करता है, कॉजिंग मिस कैरेज विदाउट वुमेन कंसेंट। ठीक है, और हमारा लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है वो है सेक्शन 325 और 326 मीन्स वॉलेंटरिली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। ये हमारा सेक्शन 325 में आता है, और यही ग्रीवियस हर्ट अगर डेंजरस वेपन और मीन से कॉज हो तो ये हमारा 326 आईपीसी में आता है। और एग्जाम्पल आप इसका समझ सकते हैं, जैसे 376 आईपीसी जो रेप की पनिशमेंट से डील करता है, या सेक्शन 379 आईपीसी जो थेफ्ट टाइप के ऑफेंस से डील करता है। तो ये सारे हमारी जो एग्जाम्पल हैं ये किसके थे, कॉग्नाइजेबल ऑफेंस के थे, जहाँ पर पुलिस अरेस्ट कर सकती थी विदाउट वारंट। ठीक है, अब जो पर्सन अरेस्टेड है उसको प्रोड्यूस्ड कर दिया जाता है बिफोर द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट विद इन द 24 आवर्स। ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर ने भले ही इनको अरेस्ट कर लिया विदाउट वारंट, लेकिन इस अरेस्टेड पर्सन को प्रोड्यूस्ड किया जाना होता है बिफोर द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर। और फर्दर एक्सटेंशन जो इनके डिटेंशन का है वो केवल और केवल यही जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ग्रांट करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक क्लासिफिकेशन समझा कि कॉग्नाइजेबल ऑफेंस क्या होते हैं। ठीक है, अब इसका जो अपोजिट है वो हमारा क्या है, नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। तो जैसे हम लोगों ने एक क्लासिफिकेशन समझ लिया, तो हम लोग यहाँ पर समझ गए कि पुलिस ऑफिसर के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती है कि वो अरेस्ट करें विदाउट द वारंट। ठीक है, तो यहाँ पर इनको अरेस्ट वारंट चाहिए। तो ये हमारा आता है सेक्शन
2ICRPC में ये डील करता है। अब इसके एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। तो इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो हमारा सेक्शन 323 IPC है। इसका मतलब क्या? वॉलेंटेरिली कॉजिंग हर्ट, ठीक है। सेक्शन 312 IPC मीन्स कॉजिंग मिसकैरेज, लेकिन किसकी? वूमेन की कंसेंट से, इसीलिए ये नॉन कॉग्नाइजेबल है। और यही हमारा 303 IPC जहाँ पर मिसकैरेज हो रहा था विदाउट वुमेन कंसेंट, तो वो हमारा कॉग्नाइजेबल ऑफेंस था, ठीक है। 358 IPC डील करता है विद असॉल्ट और यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है? नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है। तो एक क्लासिफिकेशन हम लोगों ने ऑफेंस का देख लिया, कॉग्नाइजेबल और नॉन कॉग्नाइजेबल। अब नेक्स्ट कैटेगरी पे हम लोग मूव करते हैं, जो कि क्या है? कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड याद रखो कंपाउंड, उसको समझो किस तरीके से? कॉम्प्रोमाइज़ के तरीके से, ठीक है। कि जैसे हम लोगों ने कॉग्नाइजेबल में समझा अरेस्ट वारंट के हिसाब से, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल में वर्ड पकड़ो क्या? कंपाउंड मीन्स कॉम्प्रोमाइज़। सो वेदर कॉम्प्रोमाइज दैट इज़ कंपाउंडिंग इज़ अलाउड बिटवीन द विक्टिम एंड द ऑफेंडर, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये हो जाता है कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल। सबसे पहले हमारा क्या है? कंपाउंडेबल ऑफेंस है। तो कंपाउंडेबल का मतलब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो मींस आर दोज ऑफेंस विच कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड दैट इज़ कंपाउंडेड बाय द पार्टीज टू द डिस्प्यूट, ठीक है। और परमिशन यहाँ पर कोर्ट की जो है जनरली नेसेसरी नहीं होती है अंडर सेक्शन 320 CRPC। तो अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जा रहा है, ठीक है, बाय द पार्टीज़ टू द डिस्प्यूट, तो ये हमारे ऑफेंस होते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस। इसको भी हम एग्जांपल से याद करते हैं, सेक्शन 323 एंड 324 IPC। मींस 323 डील करता है वॉलेंटेरिली कॉजिंग हर्ट, और यही हर्ट अगर बाय डेंजरस वेपन और मीन से होगा तो ये हमारा सेक्शन 324 IPC में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? कॉम्प्रोमाइज़ पॉसिबल है, अलाउड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल देख लेते हैं, सेक्शन 497 IPC जो डील करता है एडल्ट्री से, हालांकि अब हमारा ये भी डीक्रिमिनलाइज हो गया है। और सेक्शन 498 IPC का मतलब हमारा होता है एंटाइसिंग और टेकिंग अवे, ठीक है, विद क्रिमिनल इंटेंट अ मैरिड वूमेन। तो ये हमारा आता है सेक्शन 498 IPC में। तो इन दोनों ही IPCs में अगर जो हस्बैंड है वूमेन का वो तैयार है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, तो ये वाला हमारा क्या है? कंपाउंडेबल ऑफेंस है, ठीक है। तो हम लोगों ने कंपाउंडेबल ऑफेंस समझ लिया। कंपाउंड में बस याद रखना है कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर अलाउड है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आती है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस की। तो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ बाय द पार्टी लीगली अलाउड नहीं होती है, ठीक है। जैसे अब आप बात करें सेक्शन 376 IPC की, जो डील करता था विद द पनिशमेंट ऑफ रेप से, तो जो विक्टिम है रेप की कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज विद द रेपिस्ट, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हुआ? नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस हुआ। तो हम लोगों ने दो क्लासिफिकेशन देख लिया। अब हमारा लास्ट आता है बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है। तो हो सकता है हमको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी भी हो, जैसे हम लोग सुनते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कैन ग्रांट बेल टू द ऑफेंडर और नॉट, ठीक। तो एक हम लोगों ने जैसे अरेस्ट वारंट देखा, नेक्स्ट हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ देखा, कंपाउंडिंग देखा। बेलेबल में मतलब क्या है? कि क्या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बेल को ग्रांट कर सकते हैं ऑफेंडर को या नहीं, ठीक है। तो ये हमारा आता है सेक्शन 2A CRPC में। बेलेबल ऑफेंस जो होता है, अब हम लोग नाम से ही समझ गए हैं कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर दैट इज़ पुलिस ऑफिसर जो हैं वो ग्रांट कर सकते हैं बेल को, ठीक है। तो ये वाले ऑफेंस हमारे बेलेबल ऑफेंस कहलाते हैं। जैसे इसका भी एग्जांपल क्या है? सेक्शन 309 IPC मींस अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, ये एक तरीके का क्या है? बेलेबल ऑफेंस है, ठीक, क्योंकि पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी है टू ग्रांट द बेल। और नेक्स्ट कैटेगरी हमारी क्या है? नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो नाम में ही नॉन लग गया, मींस पुलिस ऑफिसर डू नॉट ग्रांट द बेल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? डिसीजन इज टेकन बाय अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और जज ओनली, ठीक है, कि बेल ग्रांट करनी है कि नहीं करनी है। तो
तो यहाँ पर क्या होगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक्यूज्ड को प्रोड्यूस करेंगे बिफोर द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या जज, जैसे वहाँ पर भी हम कर रहे थे, विद इन द 24 आवर्स ऑफ द अरेस्ट। और उस समय एक्यूज्ड के पास राइट होता है कि वो अप्लाई करे बेल के लिए बाय हिमसेल्फ और थ्रू हिज लॉयर। तो ये वाले कौन से हमारे होते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंस। इसका एग्जांपल जैसे हो गया सेक्शन 302 आईपीसी, जो कि डील करता था विद द पनिशमेंट ऑफ द मर्डर। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने समझा ऑफेंस के बारे में, ठीक है, सेक्शन 40 आईपीसी, सेक्शन 2 एंड सीआरपीसी का, ठीक है। क्लासिफिकेशन एक हमारा क्या था, कॉग्नाइजेबल नॉन कॉग्नाइजेबल, मीन्स अरेस्ट वारंट के साथ या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल था, कॉम्प्रोमाइज अलाउड है या नहीं, ठीक है। लास्ट कैटेगरी हमारी बेलेबल और नॉन बेलेबल थी, कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बेल को ग्रांट कर सकते हैं या नहीं। तो हम लोगों ने ये आज टॉपिक पढ़ा क्या, ऑफेंस के बारे में। थैंक यू।